स भवति असत्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुरिति। वह जो ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता स्वयं अस्तित्वहीन हो जाता है, परंतु वह जो ब्रह्म को अस्तित्व रूप में स्वीकार करता है बुद्धिमान उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयापि हितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शांति शांति शांति। स्त्री स्वर तो परिचित जान नहीं पड़ता, क्या वैदिक युग में स्त्रियां भी वेदों का पाठ करती थी? चल कर देखता हूं। ओहो, तो यह स्त्री स्वर वचकनु की पुत्री वाचकनवी गार्गी का है। बहुत हो चुकी शिक्षा, अब जल्दी से गार्गी के लिए कोई वर ढूंढिए। अपना वर ढूंढने का अधिकार उसका है, वह जब चाहेगी अपना वर ढूंढ लेगी। और क्या वर ढूंढने से उसकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी? मैं बाप बेटे से बहस नहीं कर सकती, दिन भर लोपा मुद्रा रटती रहती है। नहीं बनाना मुझे उसे लोपा मुद्रा। क्यों, लोपा मुद्रा बनने में क्या बुराई है? तुम वेद पाठियों के मुख से हर दिन वेद सुन सुन के इतना तो मैं भी जान गई हूँ कि विवाह के सुख की कामना लोपा मुद्रा को भी थी। लोपा मुद्रा, विदर्भराज की बेटी और महर्षि अगस्त्य की पत्नी, एक ऋषि और एक राजकुमारी। ज्ञान की साधना में रत महर्षि अगस्त्य का अपनी राजकुमारी पत्नी के सांसारिक सुखों की ओर ध्यान न था, इसलिए विदुषी लोपा मुद्रा ने महर्षि अगस्त्य को उनके कर्तव्य का ध्यान कराने के लिए जो चर्चा की वह ऋग्वेद का हिस्सा बना। ऐसी विदुषी लोपा मुद्रा ने ललित सहस्त्र नामक तीन अध्यायों में 320 श्लोकों की रचना की। नहीं देना मुझे गार्गी को किसी ऐसे ऋषि को जो सिर्फ ज्ञान की साधना में लगा हो। कान खोल करके सुन लीजिए, संसार के सारे सुख चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए, सुन रहे ना? सुनो सुनो सुनो, मिथिला देश के राजा जनक, विदेह जनक ने ब्रह्म सभा का आयोजन किया है। दूर दूर से ऋषि, तपस्वी, विद्वान, विचारक ब्रह्म सभा में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। वेदज्ञ, विद्यार्थी सभी ब्रह्म सभा में आमंत्रित हैं। दाद, 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 दाद। विदेह जनक ने फिर एक बार ब्रह्म सभा का आयोजन किया। आर्यावर्त के एक से एक विचारक वहाँ होंगे, आचार्य आरुणी उदालक, आचार्य उशस्ति, आचार्य कोहर, आचार्य विदक, श्वेत केतु और शायद आचार्य याज्ञवल्क्य से भी वही मुलाकात हो जाए। तू कहीं नहीं जाएगी। क्यों, गार्गी वहाँ क्यों नहीं जा सकती? नहीं बनाना मुझे इसे ब्रह्मवादिनी। ब्रह्म को जानने में लगे तपस्वी ऋषियों पे न जाने ये लड़कियां क्यों मुग्ध हो जाती है। ऋषियों को पराजित करने जाती है और स्वयं को पराजित कराती है। अब क्या विश्वरा, अपाला, घोषा, काठी, कलापी, कहावर्ची,
रोमशा, सुलभा, यामी, वैश्वती, मैत्रेयी, क्या ये ब्रह्म सभा में नहीं जाती थी? मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के हाथों स्वयं को हारी गई ना? याज्ञवल्क्य के हाथों हारने में भी गौरव है। हम चुप कर वाचा, कंगले ऋषि कुमारों के बीच गार्गी नहीं जाएगी, सुन लिया ना? तात। तात, खोशा को असाध्य रोग था ना? हाँ, शायद कुष्ठ रोग था। तो फिर वो ठीक कैसे हुआ? तीर्थमा की पौत्री घोषा ब्रह्मवादिनी थी, असाध्य रोग के कारण वह विवाह से वंचित रह गई थी। ज्ञान का सुख तो था पर शरीर का सुख नहीं, शायद वही एक कामना उसके मन में शेष रह गई थी। वह देवों के चिकित्सक अश्विनी कुमारों के पास प्रार्थना करने गई। अश्विनी कुमारों ने उसकी वह कामना पूरी करने के लिए उसे ठीक कर दिया। और तात, मुझे भी असाध्य रोग है। बेटा, यह तुम क्या कह रही हो? हाँ तात, मैं भी उस सत्य को जाने बिना जिसे ऋषि ब्रह्म कहते हैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। बेटा, आज जान लिया मैंने तेरा असाध्य रोग। ब्रह्म सभा में जाए बिना तुम मानोगी नहीं ना? को बताए बिना चुपचाप यहां से चली जाना, सब संभाल लूंगा। तात। गार्गी, ये ब्रह्म सभा होती क्या है जिसके लिए तू एक एक दिन ऐसे काट रही है जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रिय के लिए विरह में दिन काट रही हो। अरे, ऐसा अवसर हर दिन थोड़ी ना आता है, वर्षों में कभी कभी ब्रह्म सभा का आयोजन होता है। ये ब्रह्म सभा क्या होती है? ब्रह्म की पड़ताल के लिए जो सभा बुलाई जाती है उसे ब्रह्म सभा कहते हैं। और उसमें करते क्या है? चर्चा। चर्चा किसकी? ब्रह्म की। सर्वम खलविदम ब्रह्म, संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब ब्रह्म है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये सृष्टि कहाँ से बनी, इसका रचयिता कौन है, इन सब की चर्चा ब्रह्म सभा में होती है। और ये याज्ञवल्क्य कौन है? अरे, तुम याज्ञवल्क्य को नहीं जानती? अरे, मैं तो ब्रह्म तक को नहीं जानती, तो ये याज्ञवल्क्य किस खेत की मूली है? याज्ञवल्क्य वैदिक काल के ब्रह्मनिष्ठ महान ऋषि, महान चिंतक, जो वाद विवाद में अपराजय थे। उन्हें वाजसनी, ब्रह्मरथ और देवरथ के नाम से भी जाना जाता है। उद्दालक ऋषि से उन्होंने दर्शन शास्त्र की, वैशंपायन ऋषि से वेदों की और हिरण्यनाभ कौशल्य ऋषि से योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। वेदों को तो सभी ब्राह्मण पढ़ते हैं, फिर याज्ञवल्क में ऐसा क्या है जो तुम उन्हें सुनने जा रही हो? सुना है बचपन से ही वे असाधारण रहे। एक बार जब वे शाकल्य ऋषि से ऋग्वेद पढ़ रहे थे, सुप्रिय नाम का एक राजा उनके गांव बरसात के 4 महीनों में साधना के लिए आए। सुप्रिय राजा ने शाकल्य से प्रार्थना की, इसीलिए शाकल्य ने हर दिन अपना एक छात्र सुप्रिया के पास यज्ञ के लिए भेजना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन याज्ञवल्क्य यज्ञ संपन्न कर अभिषेक का जल और अक्षत राजा के सर पर छिड़कने वाले थे कि अचानक राजा ने वो जल और अक्षत पास ही पड़े एक सूखे ठूट पर डालने को कहा। याज्ञवल्क्य ने वैसे ही किया, परंतु आश्चर्य, कुछ समय बाद राजा ने उस सूखे ठूट पर अंकुर फूटते हुए देखे। सूखे ठूट पर हरे रंग के पत्ते देख आश्चर्य में डूबे राजा ने शाकल्य से फिर एक बार याज्ञवल्क्य को भेजने को कहा, परंतु याज्ञवल्क्य ने उस घमंडी राजा के पास जाने से मना कर दिया। अपने आज्ञा की अवहेलना देख गुरु अपने शिष्य पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपने से सीखा हुआ सारा ज्ञान वापस देने को कहा। याज्ञवल्क्य ने उनके सारे छात्रों के सामने वो ज्ञान उगल दिया। याज्ञवल्क्य के द्वारा उगले गए ज्ञान की इस शाखा को तैत्तरीय कहते हैं। और उसके बाद याज्ञवल्क्य ने आचार्य शाकल्य को छोड़कर आचार्य वैशंपायन से यजुर्वेद सीखा। कहते हैं याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना कर ब्रह्म विद्या अर्जित की और आज पूरे उत्तरापथ में
उनके ज्ञान की तुति बोलती है। गार्गी, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। तुम लोगों ने मुझे बातों में उलझा दिया, अब माँ से बहुत डांट पड़ेगी। डांट नहीं, ब्रह्म ज्ञान। वैदिक साहित्य में अरुंधति, गार्गी और मैत्रेयी के अलावा अदिति, जाहु, शिवा, वपुना, अपाला, लोपामुद्रा, श्रीमती, वेदवती, धारिणी, रोमशा, सुलभा, यामी, इंद्राणी, सिद्धा और स्वधा का नाम सम्मान से लिया जाता है। और विदेह जनक की उस ब्रह्म सभा में दूर दूर से कुरु और पांचाल देश के ब्राह्मण इकट्ठे हुए। उनमें जारत कारु आर्तभाग, उशस्त चाक्रायण, कहोल कौशित केय, आरुणी उद्दालक, विदग्ध शाकाल्य और गार्गी भी थी। विदग्ध, आज याज्ञवल्क को जीतने नहीं देना है, समझे? सोकामयत बहुस्याम प्रजाये येति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। हे पूज्य ब्राह्मणों, आप में जो ब्रह्मनिष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो, वह मेरी गौशाला में खड़ी 1000 गायें, जिनके सींगों पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं बंधी हैं, ले जाए। 10-10 स्वर्ण मुद्राएं जिनके सींगों पर बंधी हैं, वैसी 1000 गायें? किसी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी समझने का साहस कौन करता? सौम्य सामश्रवा, तुम गौशाला में बंधी गायों को हांक ले जाओ। याज्ञवल्क, क्या तुम सचमुच सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो? जो भी यहां सर्वश्रेष्ठ है उसे मेरा प्रणाम। मुझे तो इन गायों की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने यहां से ले जा रहा हूं। अब यहां जो भी स्वयं को ब्रह्मनिष्ठ समझता हो वह मुझे चुनौती दे सकता है। याज्ञवल्क, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम यहां से एक गाय भी नहीं ले जा सकते। और एक एक कर आर्तभाग, उशस्त चाक्रायण, कहोल कौशित केय, आरुणी उद्दालक ने याज्ञवल्क से प्रश्न किए। अब गार्गी ने याज्ञवल्क को चुनौती दी। पूजनीय ब्राह्मणों, अब मैं वाचक नवी इन्हें 2 प्रश्न पूछने वाली हूं। यदि इन्होंने मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर दिया तो फिर आप कभी भी इन्हें ब्रह्म विषयक वाद में जीत नहीं पाएंगे। मैं तैयार हूं गार्गी। आचार्य याज्ञवल्क, काशी का या विदेह का युवा क्षत्रिय पुत्र प्रत्यंचा रहित धनुष लेकर प्रत्यंचा चढ़ाकर शत्रु को अत्यंत पीड़ा देने वाले 2 बाण हाथ में लेकर जैसे खड़ा होता है, मैं आपके सामने खड़ी। प्रश्न पूछो गार्गी। और गार्गी ने आत्मा के स्वयं के सत स्वरूप के बारे में पूछा। कालत्रये अपि तिष्ठति इति सत, यानी जो नित्य है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में स्थित है और जो तीनों कालों में भी नहीं बदलता, वही सत है, वही आत्मा है। ऐसा कोई समय न था जब वह नहीं था, ऐसा कोई समय न होगा जब वह नहीं होगा। वह अखंड है, वह अविनाशी है, वह निर्विकार है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन मृत्यु का द्योतक है। जैसे एक कली मिटकर फूल बनती है, फूल मिटकर फल बनता है और फल फिर बीज, परंतु वह आत्मा परिवर्तनहीन है, वह सदैव एक रूप रहता है। शरीर की मृत्यु होती है, विचार बदलते हैं, संसार बदलता है, पर वह आत्मा सदैव वही रहता है। जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है और आकाश और धरती के बीच है, जिसे लोग भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसकी रचना किससे हुई, वो किस में ओतप्रोत है? आकाश से। आकाश एव तदोतम च प्रोतम च। आचार्य याज्ञवल्क्य, आपको नमस्कार है।
क्योंकि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब ये रहा मेरा दूसरा प्रश्न। पूछो गार्गी। आकाश की रचना किससे हुई, वो किस में ओतप्रोत है? गार्गी, तुमने जो पूछा वह यही है जिसे ब्रह्म वेत्ता अक्षर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वह आत्मा है, वही सत्य है जो हर स्थिति में एक सा रहता है। वह न सुंदर है न असुंदर, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, वह न दीर्घ है न ह्रस्व, वह न प्रकाश है न अंधकार, न आकाश है न वायु, वह न आकार है न छाया, वह न स्नेह है न आसक्ति, वह न आग है न जल है, वह रस नहीं गंध नहीं चक्षु नहीं श्रोत्र नहीं मन नहीं वाणी नहीं तेज नहीं प्राण नहीं मुख नहीं मात्रा नहीं, जिसके भीतर कुछ नहीं जिसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है वह, न उसका अंत होता है न ही उसका कोई अंत कर सकता है, वह अनादि है अनंत है। गार्गी, इसी ब्रह्म इसी अक्षर की सत्ता के कारण सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर कायम है, इसी अक्षर की सत्ता के कारण धरती और आकाश कायम है, इसी ब्रह्म के प्रशासन के कारण पर्वत स्थिर है नदियां बहती हैं, इसी अक्षर के प्रशासन के कारण ही मनुष्य दान देने वालों की प्रशंसा करते हैं, देवता यज्ञ करने वालों की और पूर्वज तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। गार्गी, जो इस अक्षर इस ब्रह्म इस आत्मा को न जानकर यज्ञ करता है, अनेक वर्षों तक तप करता है, उसके सभी काम असफल होते हैं। गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से चला जाता है, वह कृपण है दुर्भाग्यशाली है दया का पात्र है, और जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर अमर हो जाता है वही ब्राह्मण है ब्रह्म वेत्ता है। गार्गी, वह ब्रह्म सारे जगत में अस्तित्व मात्र के रूप में ओतप्रोत है, वह ब्रह्म पेड़ है, वह ब्रह्म पशु है, वह ब्रह्म हम सब हैं, वह ब्रह्म मैं हूं, वह ब्रह्म तुम हो, वह ब्रह्म आप हैं। यह है ही आत्मा है, इस है के द्वारा बताया गया अस्तित्व ही आत्मा है, यह सत ही आत्मा है, यही हमारा वास्तविक रूप है। आकार में विकार आता है परंतु आत्मा निराकार और निर्विकार है। गार्गी, यह ब्रह्म ही हम सबके भीतर अदृश्य दृष्टा है, जो किसी ने देखा नहीं परंतु वह सबको देखता है, जिसको किसी ने सुना नहीं परंतु जो सबको सुनता है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता परंतु वह सबका चिंतन करता है, जिसे कोई नहीं जानता परंतु वह सब कुछ जानता है। इस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है देखने वाला दृष्टा, सुनने वाला श्रोता, चिंतन करने वाला चिंतक या जानने वाला ज्ञाता। इसी ब्रह्म से ही आकाश का ताना बाना बुना गया है, यही सत्य है जो अजर है अमर है। भगवान, इस ज्ञान चर्चा में इन्हें कोई नहीं हरा सकता, हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम इन्हें प्रणाम कर विजेता मान लें। रसिकों, जिस ताने बाने से बुना है यह संसार, हम उससे भिन्न नहीं हैं, सत स्वरूप ब्रह्म ही हैं हम। एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति सकृपणः, अथ य एतदक्षरं गार्गी विदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति सब्रह्मणः। हे गार्गी, जो उस अविनाशी को जाने बिना इस लोक से चला जाता है वह दया का पात्र है, लेकिन जो उस अविनाशी ब्रह्म को जानकर इस लोक से जाता है वही वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य का यह घोष आज भी सत्य है। रसिकों, गार्गी के प्रश्न के उत्तर में
याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्मा के सत्य स्वरूप पर भाष्य या चिंतन बृहदारण्यक उपनिषद में सुरक्षित है। और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और उनकी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेय का आत्मा के सुख स्वरूप पर प्रसिद्ध संवाद संकलित है। रसिकों, इन्हीं ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य से हमने शुक्ल यजुर्वेद को प्राप्त किया और उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य भी लिखा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने सांग शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वृहद याज्ञवल्क्य, वृहदांगीय याज्ञवल्क्य, योग विषयक ग्रंथ और याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। वैदिक युग के आत्मा के कवि याज्ञवल्क्य की याज्ञवल्क्य स्मृति का मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल में अदालती कार्रवाई में भी उपयोग होता था। ऐसे महान याज्ञवल्क्य और गार्गी को हमारा प्रणाम। पिछले प्रकरण में आपने आत्मा के सत स्वरूप पर गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद देखा। क्या है वह चेतना जिसे वैदिक दर्शन आत्मा का चित स्वरूप कहता है? देखिए अगले प्रकरण में बृहदारण्यक उपनिषद से बालाकी और अजात शत्रु और केनोपनिषद से देवी उमा इंद्र संवाद आत्मा के चित स्वरूप पर। Swallow.